बठे बेंसी दिवेलो दिसवर बेंसी बन पानी रुपानी प्यानो और गोबरी नमा और एक दिन दे यहाँ कैसे रहे यहाँ किसी ने बच्ची नहीं कह दी तो पानी बच गया ये बच्ची नहीं कह दी ये दा मैं इसका नाम है मोहन जिसे करीब करीब 14 साल पहले कुछ लोग ट्रक में घुमाने के बहाने अपने साथ अपहरण कर राजस्थान ले गए थे। राजस्थान में आरोपियों ने मोहन का नाम बदलकर राजू रख दिया और उसे अपनी भैंस की देखरेख में लगा दिया। इस दौरान उसे खाने में सिर्फ एक रोटी दी जाती थी, वो भी 2 दिन में एक बार। इतना ही नहीं, वहाँ मौजूद एक शख्स बात बात पर मोहन के साथ मारपीट भी करता। इतने साल तक ये सब जुल्म देखने के बाद मोहन पर एक पड़ोसी को तरस आया और उसने मोहन को पानीपत की ट्रेन में बैठा दिया और उसकी जेब में एक पर्ची डाल दी जिसमें लिखा था 14 साल पहले इसे पानीपत से उठाया गया और राजस्थान में बंधुआ मजदूर बनाकर रखा है। जिस भाई को ये मिले वो इसे परिवार से मिला देना। और एक टाइम दे रोटी दे दो जबरदस्ती करवा था। हाँ तुम कहाँ के रहने वाले? पानीपत। तो वहाँ कैसे पहुँचे? अठू को मैंने ले गए थे, उठा के ले गए थे। हाँ फिर यहाँ कैसे आए? यहाँ किसी ने पर्ची लिख के दी कि तू पानीपत गया, ये पर्ची दिखा दे दिए तो मैं तो पहुँचा। कितने साल पहले हुआ था? कितना? ये 14-15 साल। कुछ पता है अपने माँ बाप के बारे में? मम्मी पापा का चेहरा याद है। याद है? चेहरा याद है, नाम पता नहीं है। कितने साल के थे तुम यहाँ? इसे कहते हैं परोपकार। पड़ोसी से मोहन पर होते हुए जुल्म देखे नहीं गए और उसने खुद मदद कर उसे उस जाल से बाहर निकाल दिया। जब युवक ट्रेन से पानीपत पहुंचा तो रेलवे स्टेशन पर कुछ लोगों को उसकी हरकत संदिग्ध लगी और ई रिक्शा चालक उसे लेकर समाज सेवियों के पास गए। जब उसकी चेकिंग की गई तो सच का पता चला। समाज सेवी ने मोहन को एक संस्था में रहने के लिए छोड़ दिया और अखबार में उसके बारे में जानकारी दे दी ताकि उसके परिजन आकर उसे ले जाएं। ऐसा हुआ भी, एक नहीं दो दो परिवारों ने आकर मोहन पर अपना हक जताया जिसमें से एक परिवार को मोहन ने पहचान लिया। कुटानी रोड पे राके सलोनी में और ये निकला है 14-15 साल पहले। कैसे दस, वो क्या हुआ? 10-11 साल का गया है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, खेलता खेलता चला गया अपने। तलाशी? हाँ बहुत तलाशी करी हमने, को कहीं नहीं पाया, कहीं भी नहीं मिला। हमने बहुत तलाशी करी इसकी, बहुत ढूंढा हमने। अब हमारे को क्या पता कोई उठा के ले गया नहीं ले गया। कितने साल का था ये? 10-11 साल का ही था बस। अब तो 14 साल और लगा लो आप इसकी। 25-26 उम्र होगी। पहचान में कैसे आया? पहचान में लग रहा है इसने पहचान लिया हमारे को थोड़ा, और हमारे को भी लग रहा भी हाँ हमारा है। तो जब इसको हम ढूंढने गए थे हमने पता लगा भाई, इधर देखा था कहीं, इधर घूमता फिरा ये मधुबन की तरफ पक्के पुल पे, मगर कभी वहाँ बैठा हो पीर जी पे, मगर इंग्रेजी के खाने के चक्कर में कभी वहाँ बैठा हो भूखा प्यासा। तो वहाँ से आए फिर इधर पता लगा ये क्या गाँव है, बाबरपुर से जा दर्जनाड़ा इंगे तिंगे घूमा, फिर इधर गए ये गांव हरिद्वार भी गए थे जी देखने के लिए सारी जगह घूमे। हाँ मेरे भाई से मैंने क्या था रिपोर्ट कर दिया, नहीं देख लेते हैं मिल जाएगा। वो रिपोर्ट की नहीं? नहीं उन्होंने रिपोर्ट नहीं की थी। कितने दिन तलाश की इसकी? इसकी एक महीने तक घूमते रहे, जैसा किसी ने कहा था उनका पता देखा था एक बच्चा, तो वहीं पर जहाँ पर बताते थे वहीं देखने साइकिल पर जाते थे। बहुत खुशी हुई है मगर बेचारी का थोड़ा सा। इससे पहले समाज सेवी ने जिस संस्था में मोहन को रखा था वहाँ किसी ने उसे थप्पड़ जड़ दिया था जिससे नाराज होकर मोहन भाग गया। इसके बाद एक परिवार ने तो समाज सेवी पर ही उसे भगाने का आरोप लगा दिया, लेकिन दूसरे परिवार ने मिलकर मोहन को ढूंढ लिया। ये रेलवे स्टेशन पर उतरा, ई रिक्शा चालक किसी किसी मीडिया के पास लेकर आए और मीडिया के जरिए से उन्होंने मुझे बुलाया कि ऐसा ऐसा ये लड़का 14 साल पहले यहाँ से कोई से उठा कर ले गया था, अब इसको हमने माँ बाप को ढूंढना, क्या आप इसे अपने आश्रम में रख सकते हो? जन सेवा दल ने एक अपना सियाना ऐसा बनाया जिन लोगों का कोई नहीं है उनकी सेवा के लिए बनाया हुआ है। 3 दिन पहले इसे मैं अपना सियाना में लेकर आया, लगातार इसकी सेवा करते रहे। जैसे मीडिया के जरिए हमारे पास कल 5 परिवार के लोग पहुँचे हैं जिनके बच्चे गुम हुए हैं 14 साल के पहले, तो 2 परिवारों ने कहा कि ये हमें लगता है कि ये हमारा बच्चा है। तो आज सुबह ये 6 बजे अशाना से भाग गया, तो एक परिवार उनमें से मुझे ये कहता है आपने इसे भगा दिया है हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो और दूसरा परिवार ने कहा जी चलो हम भी ढूंढते हैं आप भी ढूंढो।
तो 5:30 बजे का मैं इसे ढूंढते ये जाके मुझे कभी रेलवे स्टेशन में गया, बस स्टैंड। बहरहाल पानीपत के कुटानी रोड पर रहने वाले एक परिवार को मोहन ने पहचान लिया। परिवार की एक महिला को वो अपनी माँ बता रहा है। महिला की बेटियां भी भाई को दोबारा साथ पाकर खुश हैं। मगर कुछ और परिवार भी हैं जो मोहन को अपना बेटा बता रही हैं। अभी समाज सेवी मोहन की काउंसलिंग कराएंगे, जिसके बाद ही तय होगा कि उसका असली परिवार कौन सा है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।